जी सभी को नमस्कार। सीटेट की आंसर की रिवाइज हुई है, मींस जिन बच्चों के कम नंबर थे उनके थोड़े से नंबर बढ़े हैं। कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि सर उनके नंबर रिवाइज हुए हैं, तो मेरे ख्याल से उन बच्चों के लिए खुशखबरी है जिनके 89 या 88 मार्क्स थे, जो बिल्कुल पॉइंट पर थे। तो एक बार जाकर के अपना रिजल्ट दोबारा चेक कर लो। जो रिजल्ट सेक्शन था, जो लिंक था, वो सेम है। सीटेट की वेबसाइट से आपको जाकर के रिजल्ट सेक्शन पे जाना है और अपना वहां पे जो रोल नंबर आपका पहले था, प्रीवियस रोल नंबर ही आपको डाल करके वहां पे अपना रिजल्ट चेक करना है। अगर बढ़े हैं बहुत अच्छी बात है, ओके। फायदा ये मिलेगा आपको कि जो अपकमिंग वैकेंसी है, जैसे केवीएस की भी वैकेंसी अभी बिल्कुल आने ही वाली है, नो डाउट। डीएसएसबी की भी थोड़ी डिले हो गई है, बट होपफुली जो कैलेंडर था उसके अकॉर्डिंग एक या दो महीने के अंदर आई जाएगी, एक दो महीने डिले होकर के, तो उसमें आप लोगों को चांस मिल सकता है। और जो सीटेट जुलाई में होने वाला है, जो 2022 की जो नोटिफिकेशन है, तो वो भी बहुत जल्द आई जाएगी, क्योंकि सीबीएसई अपने कैलेंडर पर हम थोड़ा भरोसा कर सकते हैं, वो अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलती है। तो इट्स बेटर कि तैयारी अभी से शुरू कर दो सभी के सभी बच्चे, क्योंकि सीटेट क्वालिफाई करे बगैर तो आप टीचिंग वैकेंसी का फॉर्म ही फिल नहीं कर सकते। तो इट इज नेसेसरी, डिस्पाइट कि क्वालिफाइंग एग्जाम है, बट क्वालिफाई तो करना पड़ता है। और इतना इजी भी नहीं है, क्योंकि अगर इजी होता तो 16 लाख में से 12 से 13 लाख बच्चे फेल नहीं होते। तो इसके लिए प्रिपेयर करो, तैयारी अभी से शुरू करो, जो सिलेबस है उससे गो थ्रू हो जाओ। सीटेट की बहुत सारी वीडियोस बने हुई हैं, उनको जाके चेक करो, वहां से पढ़ाई शुरू करो। ऑल द बेस्ट एवरीवन, मिलते हैं जल्दी, जब नोटिफिकेशन आएगा तो फिर तैयारी भी उसकी शुरू करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।